बेटा मोबाइल बंद कर दो। डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है? पहला, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। क्योंकि क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आपको बताया गया है ए बी कॉस थीटा। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा कितना होता है? जीरो होता है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कहते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यदि दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। लिखो पहला बार। इफ टू वेक्टर, अच्छा इसको लिख लो, लिख लो, नुकसान नहीं करेगा। लिख लो डेफिनेशन, पहले लिख लो। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन कैसे बनाते हैं बेटा? इस साइन को कहते हैं परपेंडिकुलर। इस साइन को क्या कहते हैं? पैरेलल। ठीक है, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट आर जीरो। पहले इसका यूज क्या है बताते हैं, क्या यूज है नोट करो फटाफट। ये लिखो, वेक्टर पी इज इक्वल टू, पी वेक्टर की वैल्यू लिखनी है आपको, P इज इक्वल टू 12i प्लस 4j माइनस 3k। ये किसकी वैल्यू है? वेक्टर B की, P की। वेक्टर Q इज 6i माइनस 4j प्लस सी के। हाँ, P की वैल्यू बताओ क्या है? 12i। Q की वैल्यू क्या है? 6i माइनस 4j प्लस सी के। If vector P is perpendicular to vector Q, find value of C. C की value क्या होगी? अब ऐसे तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे कभी भी, ठीक है? ऐसे कभी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमें एप्लीकेशन ये पता हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। अच्छा, इनका डॉट हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 72। इसका कितना हो जाएगा बेटा? माइनस 16। इसका कितना हो जाएगा? माइनस 3c। के डॉट के वन, जे डॉट जे वन, आई डॉट आई वन, सीधे हमने कर दिया। अच्छा इस वैल्यू को, अच्छा ये दोनों परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? मैं कह दूं 72 माइनस 16 माइनस 3c इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो आया? क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब यहां से 72 में से 16 निकालो, कितना होगा? 6 और 56।
माइनस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, देन 56 इज इक्वल टू 3c, सी इज इक्वल टू 56 बाई सिंपल आ गया c की वैल्यू। इसलिए इसका यूज होता है बेटा। जल्दी बेटा पहला यूज तो हमें पता लग गया क्या कि अब दो परपेंडिकुलर होते हैं, टू वेक्टर परपेंडिकुलर their dot product is ठीक। second application बेटा आवाज उसमें आ रही है ना रिकॉर्डिंग में ठीक। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू हम किससे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। जैसे पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ क्या है फोर्स है, वी क्या है वेलोसिटी है। इसका मतलब पावर क्या हो गया बेटा स्केलर, फोर्स भी वेक्टर वेलोसिटी भी वेक्टर, लेकिन इनका डॉट कर दिए तो क्या मिला हमें स्केलर। तीसरा इसका बेटा जो मैक्सिमम यूज होगा ना वर्क डन का पावर, वो एक चैप्टर आएगा वर्क पावर एनर्जी, उसमें मैं डॉट से आपको दिखाऊंगा, लेकिन एग्जांपल मैं एक आग करा दे रहा हूं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डी क्या है यहां पे, एफ क्या है एफ फोर्स है, पी क्या है पावर है, और वी क्या है वेलोसिटी है। ठीक, क्योंकि यदि मैं अगले में बात करूं तो W क्या है बेटा वर्क है, F क्या है फोर्स है, और D क्या है डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन निकालने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इससे भी निकाला जाता है वर्क डन। जैसे एक एग्जांपल दे दिया, F इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू दे दिया, F इज इक्वल टू 6i प्लस 2j प्लस 6k एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 8i माइनस 9j प्लस 2k। ठीक है, कहेगा फाइंड वर्क डन। अब हमारे पास यदि रिलेशन नहीं है तो हम दोनों से वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। वेक्टर लगाने के ऊपर मतलब क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं लगा है मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। इनका डॉट प्रोडक्ट किसमें चेंज हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। आई जे के क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये इनिशियल क्लास में हो चुका है, अभी नए बच्चे इसलिए बता दिया, समझ में आ गया। ये मैं अभी डिटेल में कराऊंगा, वेक्टर का इनिशियल पार्ट भी मैं कराऊंगा। अब देखो यदि हमें वर्क डन निकालना हो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, अरे यार नहीं निकाल पाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस प्लस कितना आ गया
अभी से याद रखिए, वर्क जब आपको मैंने पढ़ाया था डायमेंशन में तभी बताया था, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। कह रहे हैं वॉट, जूल। बंगेड़ी पावर की वॉट, ठीक है। फोर्स की न्यूटन या फिर केजी, केजी मीटर सेकंड टू द पावर माइनस टू, ठीक, उसमें लिख सकते हो। आ गया इतना, छापो जल्दी। हेडिंग क्या डालो? सेकंड हेडिंग क्या डालोगे? लिख लो, फाइंड वर्क डन एंड पावर। डॉट प्रोडक्ट के मदद से हम वर्क डन और पावर निकालते हैं। एक क्वेश्चन और दे दूं इसी पे, करोगे? हाँ जल्दी करो। ये पहले एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत, कभी दूसरे में भी आता है, लेकिन तीसरे एप्लीकेशन पे पक्का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अच्छा तुम यहीं पे हो, ठीक है, फिर चले गए चौपाटी घूमे और फिर यहीं पे आ गए। वर्क डन कितना हो गया? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, चाहे फोर्स कितना लगाए हो। घूम फिर के भाई, जैसे कई बार होता नहीं है कि सुबह पापा 9-8 बजे तैयार होकर के 10 बजे तक ऑफिस गए, तुम बैठ करके टीवी देख रहे हो, उनके टीवी उनके जाते समय तुम क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। फिर वो चले गए, 10 मिनट बाद तुमने टीवी बंद किया, नहाए धोए पढ़ने बैठ गए, 7 बजे तक तुम बढ़िया पढ़ाई किए, 5-6 घंटे लगातार पढ़े, ठीक है। अभी उनको 8 बजे आना है, तुम उसी समय थोड़ा भूख वूख लगी, स्नैक लिए और बैठ गए टीवी के सामने, तुमने कोई मूवी लगा दी। वो लौट के आए, उन्होंने देखा कि तुम क्या कर रहे हो, जाते समय क्या देखा था, तुरंत चिल्लाएंगे नालायक दिन भर यही कर, पढ़ाई लिखाई करना है ही नहीं, क्योंकि उनको तुम्हारा वर्क डन जीरो दिखा। कैसे दिखा? उनके जाने के पहले भी वही थे और उनके आने के बाद भी वही थे, अब तुमने दिन भर क्या किया उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा नेट वर्क डन क्या दिखा उनको? पक्का डांटेंगे, तुम देख लेना। और अक्सर ऐसा होता है, उनके जाते समय भी हम टीवी देखते रहते हैं और लौट के आते समय भी वही टाइम होता है कि टीवी देखते रहते हैं, ठीक है। फिर कहेंगे बस हो गया, बोलेंगे बस बस नीट क्लियर हो गया, ठीक है, तुरंत कमेंट पहला यही आएगा गुस्से में। बेटा इसलिए आता है कि आप वर्क डन करो, क्योंकि जिस दिन नीट में सेलेक्ट होगे ना, शायद उनसे ज़्यादा कोई खुश हो, शायद
तुम भी शायद नहीं हो सकते उतना खुश जितना वो होंगे। हो गया ये? चलो क्वेश्चन लिख लिया है ना, अब आंसर कैलकुलेट कर लो बेटा। इसके लिए भी मतलब बस प्रिंटिंग प्रेस चलाना है, जो लिखा है अक्षरता वैसे ही छाप देना है। चलो कोई फोर्स लग रहा है एफ, हो गया कैलकुलेशन पूरा, कैलकुलेशन करते रहो अपने से, करो जोड़ो पूरा। डॉट प्रोडक्ट यदि आपको आ रहा है तो कैलकुलेशन करने में क्या दिक्कत है, मेथड तो समझ में आ गया ना। फोर्स एफ इज इक्वल टू 7i प्लस 4j माइनस 2k, कोई भी मैंने फोर्स ले लिया ठीक है। d1 इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k, d2 इज इक्वल टू 7i प्लस 3j प्लस 6k। अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम डी वन टू डी टू, फाइंड वर्क डन, निकालिए जल्दी। मान लो तुम्हारा ये घर है ठीक, वहां से गार्डन की दूरी है, ये गार्डन है, इसकी दूरी है 2 किलोमीटर ठीक, और तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल जो है ये है 5 किलोमीटर ठीक। तुम सुबह सुबह उठे, अपना फुकरेबाजी करते पहुंच गए गार्डन में, कुछ कर नहीं रहे हो, घूम फिर रहे हो, तुम्हें पता लगा कि स्कूल में आज रिजल्ट मिल रहा है, गार्डन से कहाँ चले गए स्कूल, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा 5 किलोमीटर हुआ कि 2 किलोमीटर? 2 किलोमीटर, क्योंकि बेटा तुम पहले से ही गार्डन में थे ठीक है, तो डिस्प्लेस कितना हुआ है 2 किलोमीटर, पहले से ही D1 दिया हुआ है मतलब ये दे दिया है और D2 दे दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा,
यही ठीक होगा। हाँ 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 कुछ नहीं, समझ में आ गया। अब आपको माइनस करने आना चाहिए। डी टू की वैल्यू कितना है? 7i प्लस 3j। डी वन की वैल्यू 2i प्लस j माइनस के। अब माइनस करते समय जब माइनस यहाँ लगाओगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बताया गया है आपको कितना हो जाएगा, ये d इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 5i प्लस 2j प्लस 7k। अब आपको क्वेश्चन बहुत आसान, f की वैल्यू दी है, कितना दिया है f की वैल्यू, 7i प्लस 4j माइनस 2k और d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5i प्लस 2j प्लस 7k। ये आया कितना हो गया, w वर्क डन इक्वल टू f डॉट d, कितना आ गया वैल्यू, ये 25 कितना हो गया, ये 28 या 29। क्लियर हुआ, निकाल लोगे अब आप, फटाफट करिए बेटा। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम D1 टू D2, D1 पे पहले से ही थी वो और वहां से कहां गई, D2। तो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, D2 माइनस D1। कह दे तुम्हारे पास 40 रुपए है और फाइनली तुम्हारे पास 100 रुपए हो गया, कितना इंक्रीज किया, कितना बढ़ा, 60। कैसे निकाले, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा पहले ही यहाँ पे था वो और यहाँ पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल दूरी, ठीक है। और जब कुछ नहीं कहता है, केवल डी देता है, इसका मतलब जीरो ओरिजिन पे था वो, ठीक है, तब वो वैल्यू लेते हो आप। चलो फटाफट करिए, हिंदी इंग्लिश अभी भी प्रॉब्लम चल रही है कि 70% खत्म हो गई, फिजिक्स में कुछ नहीं है, एक फिजिक्स में अब 1% प्रॉब्लम नहीं है हिंदी इंग्लिश, बायो में होगी अभी लगभग 30%, स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट थैलस। लेकिन मैं क्लियर तो बता देता हूँ कि अप्लाइड है, ठीक है,
और बेटा मैंने कहा था ना बस जुलाई ख़त्म हो जाएगी उस दिन तुम्हारा हिंदी इंग्लिश की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा और जब आप पेपर देना शुरू करोगे ना दिसंबर के बाद तो आपको लगेगा अच्छा था मीडियम हिंदी नहीं था, ठीक है, बिल्कुल लगेगा कि अच्छा था कि मैंने हिंदी में पढ़ाई शुरू नहीं किया। और फिजिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, फिजिक्स एक समझने वाला सब्जेक्ट है, समझ में आया तो किसी भी लैंग्वेज में उसे पूछेगा आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछ रहा है, नहीं समझ में आया तो कितना समझा देगा कर नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन हो गए, क्या क्या हो गए बेटा, पहला हमने क्या कहा कि दो यदि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है जीरो। दूसरा क्या बताया गया बेटा कि वर्क डन और पावर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या किसके लिए करते हैं, एंगल के लिए, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट टू फाइंडिंग द एंगल। अब यहां पे बेटा जिसने क्लास नहीं किया है ना ये थीटा वाला, वहां यदि वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा तो वहीं समझ में आ जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बोलो, अच्छा ए कैप की वैल्यू आप बता सकते हो, ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, या तो इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए। इतना क्लियर है ना आपको, चलो यदि मैं कह दूं कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। कई बार ऐसे लिखते हैं इसी को बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड। सही तो है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां से कई बार क्या, यहां से यदि हम निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, वन बाई कॉस हुआ, ऊपर लेके गए कॉस के पावर वन हो गया, अबे ये थीटा है कॉस नीचे जाएगा, वन बाई कॉस ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये भी पूछा, सारे फार्मूले पूछे गए हैं, थीटा इज इक्वल टू इसको ऊपर लेके जाऊं, वन बाई टेन को यदि आप ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, टेन के पावर माइनस वन हो जाता है, कॉस को ऊपर लेके जाओगे कॉस के पावर माइनस वन, सिंपल ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। एक बार उसने लिख दिया, सारे बेटा फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, सब पूछे गए हैं, एलजेब्रिक भी पूछा गया है, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत आता है। एक बार उसने दे दिया था कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप इंटू बी कैप, और एक बार दे दिया था थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कैप इंटू बी कैप। ये सही है दोनों फार्मूले, गलत हैं। दिया था कि विच रिलेशन इज करेक्ट, उसमें एक आल का ऑप्शन भी था, ये सही है कि गलत है, कैसे सही है बताओ, शांत रहो। ये सही है फार्मूला या गलत है मैं ये पूछ रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं पूछ रहा हूँ,
ये दोनों फार्मूले जो लिखे गए हैं वो सही है कि गलत है? इसे पूछूंगा अभी, बताए बताओ। नहीं समझ में आया? वो नहीं, ये जो फार्मूले लिखे हैं ये सही है कि गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये बताओ मुझे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैंने ए कैप इंटू बी कैप डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ? वैसा कुछ मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं। सही गलत है? सही सर। कैसे? यूनिट वेक्टर। कैसे तुमको पता लगा ये यूनिट वेक्टर है? सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये बताओ कैसे ये सही है? सर ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है, क्यों है? सर ऊपर नीचे लास्ट। यदि ये गलत है तब तो ये भी गलत है। नीचे वाला सही है। कैसे सही? यदि ये गलत है तो ये भी गलत है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 1/cos inverse हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस के पावर माइनस वन नहीं हो जाएगा? कॉस तो वैसे भी नीचे में है, वहां से कॉस वैसे भी नीचे है, तो कॉस ऐसे नीचे गया तभी तो ऊपर हुआ, कॉस इनवर्स माइनस वन तो सही है ना? नीचे वाला सही है। और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये गलत कैसे हो गया? अच्छा इसको मैं नीचे लेके चला हूँ तो इसको इसको यहीं रहने दूं, इसको नीचे लेके आ जाऊं तो डिवाइडेड बाय कॉस इनवर्स हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाऊंगा कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों तो एक ही लिखा हुआ है। ये कैसे लिख सकते हैं? तुमने भी नहीं बताया कैसे है बेटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप इंटू बी कैप कैसे है? गुड। अरे मूर्खों, ए वेक्टर अपान ए, क्या यही ए कैप है क्या? बी वेक्टर अपान बी, क्या यही बी कैप है क्या? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कैप इंटू बी कैप नहीं लिख सकता हूं? अरे अभी वही तो लिखा हुआ है, सामने सामने लिखा हुआ है, नकल नहीं मार रहे हो? यही एक्सप्लेनेशन लिखा था, यही एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था? अच्छा हुआ मैंने लिखवा ही दिया, मुझे लगा कि लिखवाने की जरूरत नहीं है, पिछले साल मैंने नहीं लिखवाया इसको, ठीक है चलो लिख लो। अबे तुमने और कहानी बना ली, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अच्छा ये सही कह रहे हो, ठीक हद कर दी तुमने तो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए कैप इंटू बी कैप, ठीक, देन इसको नीचे लेके चला जाऊं, थीटा अपान कॉस इनवर्स इज इक्वल टू ए कैप इंटू बी कैप, इसको लिख सकता हूं कि नहीं? नीचे ले जाओगे अपान, अब इसको ऊपर ले जाओ, माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू, अबे दोनों एक ही तो है, अलग कहां से हो गया था? ध्यान दीजिए, रटिए मत इसको, ये सब साफ हो जाएगा। हम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे बेटा वो इसी का करेंगे, इसी से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे एलजेब्रिक वाइज दे दे। और आपको यदि वो पता है ना बेटा तो वहाँ से तो सब निकल जाएंगे। जिसने यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ा वो भी समझ गया ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। जिसने डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा था वो पहला फार्मूला लिखा गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
अच्छा ये बताओ, यदि ये आ जाए तो इसकी वैल्यू निकाल लोगे, रूट थ्री इंटू रूट फाइव कितना आएगी इसकी वैल्यू? अब इसकी वैल्यू 16 इंटू 25 हो जाएगी। अरे मतलब सॉरी, 9 कैसे 9 हो जाएगा यार, इसको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर थोड़ी मैं लिखा हूँ। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, क्लास लेंगे सर अभी आज शाम वाली? ठीक है जी, ठीक है, ओके। बताओ वैल्यू इसकी। अंडर रूट 15। तुम्हारा फिर भी तो कुछ तो लगाए। अबे तुम, रूट थ्री की वैल्यू 9 होती है, रूट थ्री की वैल्यू 9 होती है। सॉरी बेटा, ऐसे भी आप मल्टीप्लाई इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू नियर अबाउट कितनी आ गई, 4 से कुछ कम ही आई, क्योंकि रूट 16 होता तो वैल्यू कितनी होती, 4, जबकि 3 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 5 की वैल्यू पता है कितनी होती है, ठीक है, 2.5 जब होता है तो उसका वैल्यू होता है 6.25, ठीक है, उससे तो कम ही है, बट ग्रेटर देन कितना हो जाएगा ये, 2.3 रखो, मुझे लगता है 2.3 के आसपास आएगा, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 2 4, इस बार तो हमने 2.2 उतना ही तो लगभग आ रहा है यार। इसको मल्टीप्लाई हमेशा ऐसा किया करिए, 22 7 22 25 110, 22 6 132, 132 144, 4 14, 22 1 22, 22 10 32, 32 4 36। ऐसे आ जाए तो मल्टीप्लाई हमेशा इसकी वैल्यू निकाल के फिर किया करिए, ठीक है, डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे देखो, ब्रैकेट के अंदर क्यों मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, जैसे रूट टेन है इंटू रूट टेन, ठीक है, कितना आ जाएगा, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा रूट हंड्रेड आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 10, ठीक है, 10 का 3.3 इंटू 9 9, 9 आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, रूट 15 कर सकते हो, नियर अबाउट बिल्कुल सेम ही आ रहा है, आसान है, हो सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, हो गया ना, ये क्वेश्चन नोट करो। वेक्टर ए इज आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर ए की वैल्यू कितना है, आई प्लस जे प्लस के। वेक्टर बी इज 2i प्लस 3j प्लस 6k, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आज राहुल सर की क्लास बेटा नहीं होगी,
अभी एग्ज़ाम देके वो निकले हैं और अभी कुछ और भी काम है उनको, तो बोले सर मुझे 7 बज जाएगा आज, थोड़ा ज़्यादा बिजी हैं। कोई बात नहीं, कल से एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कंटिन्यूस क्लास उनकी भी होगी। ठीक है बेटा, आ गया, बहुत सिंपल है बेटा। ए की वैल्यू कितना दिया है, चलो एक बता दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितना है, आई प्लस जे प्लस के, यही है। बी की वैल्यू कितनी है, टू आई प्लस थ्री जे प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। कितना हो जाएगा बेटे, ये 2 प्लस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अगला 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36 कितना आ गया 49। दिस इंप्लाई दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 49। अरे 49 का रूट 7, कॉस थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 7 रूट 3, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11 अपॉन 7 रूट 3 आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन, अरे जो कहा है इसने ए डॉट बी कर दिया, ए डॉट बी की वैल्यू हमें निकालना आता है, मॉड वैल्यू ए बी का नहीं निकालने आता है। याद करिए, आई कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट का स्क्वायर, याद आ गया, क्वेश्चन कर लोगे। चलो आ गया बेटा, हो गया बन जाएगा।
छापो जल्दी। अब बेटा इतने स्टेप में मैंने समझाने के लिए किया, प्रैक्टिस हो गई तो दो ही स्टेप में हो जाएंगे ये क्वेश्चन। एक में डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, दूसरे में मॉड निकाल लिया, तीसरे में आंसर दे दिया। आता है जो थ्योरी बेस आता है बेटा, वो मैकेनिक्स का नहीं होता है। मैकेनिक्स में वो तो रेयर थ्योरी आती है। जो थ्योरी आती है वो आपकी लाइट की होती है, मॉडर्न की होती है, ठीक है। कुछ जो है थ्योरी आपकी हीट में आती है, जैसे थर्मोमेट्री ऑर्मोमेट्री होता है, ठीक है। जो मैकेनिक्स होता है इलेक्ट्रोस्टेट होता है और मैग्नेटिज्म होता है, वो मैक्सिमम थ्योरी बेस होता है। SHM वेव में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। थ्योरी पे जो क्वेश्चन आया था वेक्टर में, याद है स्टेटमेंट मैंने लिखवा दिया, उस टाइप के थोड़े क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स में यदि आप 50 का पेपर देखोगे बेटा, तो उसमें मोर देन 40 क्या होगा आपका, न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। थ्योरी आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मिलता है, वो भी करने वाले कितने होते हैं, 5 ही। तो आप मान के चलो कि 40 आपको न्यूमेरिकल करना है, 37 प्लस आपको न्यूमेरिकल करना है, 5 से 6 का क्या करना है, थ्योरी। और फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ज़्यादा टफ हो जाते हैं, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन पेपर में पड़ेगा तो समझ में आएगा कि थ्योरी आप तभी सही कर सकते हो जब आपको पूरे कॉन्सेप्ट पता होंगे। न्यूमेरिकल में तो फार्मूला और निकालना यदि आपको पता है तो भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा। आप जैसे ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब पढ़ाया जा चुका है, आपका पहला क्लास है, सोचो कि मैं पहले से समझ जाऊँ ये तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि जब आप जब भी रिवीजन क्लास इसकी लगेगी संडे संडे, तो जो पढ़ लिए हैं वो आए चाहे ना आए, लेकिन जिनका छूटा है उनको आना मस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जब आपको फरवरी में कराया जाएगा ये ना, तो उस समय ऐसे नहीं कराया जाएगा। थ्योरी बस 5 मिनट में बोलूँगा, चैप्टर आपका 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा एक, और आधे घंटे उस पर न्यूमेरिकल, एक दिन में 2 चैप्टर ख़त्म होंगे। बस थ्योरी बोला, कुछ क्वेश्चन कराए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है चले गए, ठीक है। अब आप इसको शुरू से रिवाइज और अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिनका छूटा है वो पूरा कराऊँगा। क्वेश्चन लिखो, वैक्टर पी इज टू आई माइनस फोर जे प्लस 3K वेक्टर क्यू इज थ्री जे माइनस 4K फाइंड एंगल बिटवीन पी एंड क्यू माइनस 4K अबे क्या लिखे हो, कि कौन सा वेक्टर लिखे हो, पी की वैल्यू बोलो क्या लिखा है, क्यों
अब आई से इसका मल्टीप्लीकेशन मत करने लगना बेटा, जे का जे से, के का के से, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -24 अपॉन 5√29, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -24 अपॉन 5√29। क्लियर हो गया, करिए जल्दी आराम कर। आगे बेटा समझ में ऐसे क्वेश्चन इजली कर लोगे आप, कर लोगे आप पक्का? चलो ठीक है करो, क्वेश्चन नोट करो बेटा। सर आई इसमें पेयर में नहीं होता तो उसको वैल्यू लिए ही। अच्छा डॉट प्रोडक्ट के लिए किससे किसके की जाती है? किससे करोगे? टू एज इट इज कैसे, आई नहीं है मतलब इस आई की वैल्यू जीरो, जीरो से किसी के मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना होगा? हाँ हेलो बॉटल, हाँ मैंने देखा भी नहीं, सच छूट गया उसका, रोज देखता था, मिल जाएगा कल मैं कोयल का।
देखना हो देख लो, खेल के मैम से मैं वैसे ही फ़ोन कर दूंगा, देख लो 5 मिनट का काम है, देख लो। लिखो वेक्टर ए इज आई आई को 4i कर दो, 4i प्लस 2j माइनस 3k, 4i प्लस 2j माइनस 3k, फाइंड इट एंगल विथ x एक्सिस, एक्स एक्स करो, आ गया कितना आया, 4 अपॉन रूट, ए की वैल्यू क्या दिया गया है बेटा, 4 अपॉन रूट 4i प्लस 2j माइनस 3k, यही दिया गया है क्या, और किसके साथ एंगल निकालना है, एंगल विथ एक्स एक्सिस, 16 3 9 16 9 25 25 4 कितना है तुम्हारा, 4 अपॉन रूट 29, ठीक नहीं आया, कितना आया, 4 अपॉन रूट 29। अच्छा बेटा एक्स एक्सिस मतलब आई, ठीक, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट आई, अच्छा तो आई का आई से हो जाएगा डॉट, कितना हो जाएगा, 4.14। बाकी किसी के साथ तो एक्सिस दिया ही नहीं है, आई एक्स एक्सिस पहली क्लास में बताया गया है, ठीक है, आई क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो 4 अपॉन, बाकी जे नहीं है तो 0, के नहीं है तो 0, कितनी वैल्यू आ जाएगी, पहले इसकी वैल्यू लो, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा बेटा ये, 4 अपॉन अंडर रूट 16 16 और 4 29 इंटू रूट वन की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन अंडर रूट 29, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन 29 इन अ रूट। तो बेटा जिस एक्सिस के साथ दिया है उस एक्सिस को आप एक्स आई जे के टर्म में बदल सकते हो, बताया गया है बदलना, बोले सर वैल्यू केवल आई है तो वैल्यू 1, केवल आई है तो वैल्यू 1। आई जे के में बेटा इसके पहले भी आप निकाले थे, जब पहला क्वेश्चन दिया गया था आई प्लस जे प्लस के, तो वहाँ आई की वैल्यू आपने क्या लिया था, 1, यदि कोफिशियंट कोई ना हो तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, 1 आई कहो या फिर आई कहो, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन,
सेम क्वेश्चन लिखो, वाई के साथ एंगल निकालो इसी का। कितना आया? 2/229 सबका आ रहा है। थीटा इज इक्वल टू 2/cos inverse 2/√29 सबका आ रहा है बेटा? ये नहीं आया? अच्छा, जब ये वाई एक्सिस ले लोगे तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? जे। ठीक, अब j का i के साथ मल्टीप्लाई 0, j का k के साथ मल्टीप्लाई 0, लेकिन j का j के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 × 2 बस। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? अब j है तो i के साथ थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा? j के साथ। ठीक, और वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं? जे। सबका आ गया? छाप लो। अब जे के साथ जब सबका आ गया बेटा, तो के साथ निकालो। हो गया 3√29। गलत, इसलिए कहा फिजिक्स में बिना पेन चलाए आंसर कभी मत दिया करो। ठीक है, अच्छा, उसकी जो लास्ट वैल्यू आएगी के साथ, वो आ जाएगी cos inverse -3/√29। अच्छा, इस माइनस को काट दूं कोई दिक्कत? इधर इस माइनस से माइनस काट दूं कोई दिक्कत? नहीं, कभी नहीं कटेगा बंगेड़ी, क्योंकि ये होता है -3/cos√29। समझे? इसको ऊपर लेके गए हो, ये cos−1 है। ऐसा नहीं होता है, -3 × 10⁻³ है, तो -3 और -3 काट देते हो, तो इसको क्या काट रहे हो? क्लियर हो गया? ये के बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, अब इतना आप पढ़ लिए हो तो आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अरे बाद में समझाना, अभी नहीं, जो तुम्हें समझना है वो छूट जाएगा। ठीक, अभी टाइम मिलेगा, आज राहुल सर की क्लास नहीं है, जितना एप्लीकेशन है बता देना वेक्टर के। बेटा आपको क्लासेस मिल जाएगी वीडियो, जाओगे तो। ठीक है, अभी मिल जाएगी, वेक्टर की शुरू से देख लेना एक बार, बाकी तुम्हें कराऊंगा ये। रब करूं? कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल कब होंगे?
ठीक, मैंने आपको बताया था, यदि याद हो, वेक्टर ए इज एन टाइम ऑफ वेक्टर बी। यदि ऐसी कंडीशन है और एन क्या है, पॉजिटिव है, तो सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। लेकिन एन की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो दोनों ए और बी कैसे हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। बस कोई कंडीशन नहीं है। अब बोले सर इस पे आपने कराया नहीं क्वेश्चन, जाके पीछे देखो क्वेश्चन में इस पे करा चुका हूँ। ये थ्योरी का पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ए और बी कैसे हो जाएंगे बेटा, एंटी पैरेलल। जैसे ए इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 9k है, बी इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k है। तो ये क्या है बेटा, यहाँ यदि हम वैल्यू देखें तो हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ वेक्टर बी, है कि नहीं। वेक्टर बी में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो वेक्टर ए आता है कि नहीं, ये 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका मतलब पैरेलल है। और यही वैल्यू यदि बेटा सारी नेगेटिव हो जाए तो एन की वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव। यदि नेगेटिव आ गई तो बी कैसा हो गया, एंटी पैरेलल। समझ में आ गया, ये जाके पीछे देखे आप कराया गया। हाँ ये वाला बताऊँ फिर से, अबे कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 हो जाए, कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 3 हो जाए, ये कॉमन क्या आ गया आपका, n3 आ गया, सिंपल था। और यही बेटा यदि माइनस वैल्यू होता तो n की वैल्यू माइनस हो जाती, तो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गए, माइनस हो जाती है n की वैल्यू, तो कैसे होते, एंटी पैरेलल। ठीक है, हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा आसान है, लेकिन कंडीशन एक ही है, समझ में आया तो, नहीं तो पूरे वेक्टर में सबसे टिपिकल आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। हो गया बेटा, हेडिंग डालो क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा बहुत कोई पढ़े वढ़े हो थोड़ा सा कभी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कुछ बेसिक कुछ ऐसी कैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। अच्छा
बोले कि अंबिकापुर कैसे रास्ता पता है कैसे जाते हैं? बोले सर गाड़ी पे बैठ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, चल देते हैं, पहुंच जाते हैं किधर से, अब चल देते हैं गाड़ी से, ठीक है चलो। क्रॉस प्रोडक्ट, जब बेटा हम वेक्टर का मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट वेक्टर में ही चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का। अब वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो और आपको रिजल्ट किस में चाहिए? स्केलर, तो आप किसका यूज करते हो? डॉट प्रोडक्ट का। पहली लाइन यही लिखो, व्हेन वेक्टर्स मल्टीप्लाई एंड रिजल्ट इज अ वेक्टर, देन वी यूज क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं बेटा? जैसे ए वेक्टर क्रॉस विथ बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या होगा? वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? ये डॉट है, मुझे तो क्रॉस दिख रहा है, तुम्हें डॉट कैसे दिखा? अच्छा फिर ये क्या है? और वो भी डॉट है। मैं तुमसे कहूंगा टी शर्ट और पैंट क्या है? कपड़ा है। तो मैं कहूंगा ये क्या है? बोलो पैंट। बोले ये क्या है? पैंट। दोनों पैंट तो नहीं हो सकती, इतना टोपा तो नहीं हो, ठीक है। अब तुमको इसको पैंट ही बोलना है बात अलग है, ठीक है। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या है? डॉट। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है? एक कंटाप लगेगा तुमको, नींद लग रही है, टोपा इतनी जल्दी सो रही है, पानी पियो। ए बी का वो कॉस था, ये क्या हो जाएगा? सही है क्या? है सही है गलत है? अभी भी ये स्केलर है क्या? इसमें डायरेक्शन कहीं दिख रहा है तुमको? यहां तो दिख रहा है कि हाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन, फिर इट मल्टीप्लाई विथ इट यूनिट वेक्टर। अब ये क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। समझ में आया अब? कब होगा ये? चलो फटाफट नोट करो, थोड़े थोड़े पॉइंट हैं। अब देखो ये मजेदार बात जानते हो क्या है कि इसमें जो ये ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर विथ वेक्टर ए एंड आल्सो परपेंडिकुलर इज वेक्टर बी। अभी आप मेरी इस बात को नहीं मानोगे, थोड़ी देर में मानने लगोगे, चलो बताते हैं कैसे। यदि यहाँ मैं यूनिट वेक्टर की पूछूं यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितना होगा, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा होगा कि नहीं? ये यूनिट वेक्टर किसका है? ए का है कि बी का है? ना ए का है ना बी का है, ये किसका है? ए क्रॉस बी का है। ये यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ
ए क्रॉस बी नॉट अ ए आर नॉट अ बी, ये ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट का है। समझ में आया? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें निकालने के लिए क्या, डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। लिखो, पहले इतना छाप लो फिर लिखो। अपने वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट की पढ़ा होगा राइट हैंड कर्लिंग रूल, ठीक है? वो याद नहीं रहता है, मैं आपको एक सिंपल रूल बताऊंगा जो आपको याद रहता है, ठीक? लिखो, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बोले डायरेक्शन क्या जरूरत है। जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको वेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डायरेक्शन। लिखिए, अभी याद नहीं आएगा आपको, लिखो। फॉर क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्टली वी कंबाइन अ वेक्टर हेड टू हेड और टेल टू टेल। प्रीफर हम किसको करेंगे बेटा, कौन आसान? टेल टू टेल कंबाइन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, इजीली हम देख लेते हैं। तो हमने वेक्टर को कैसे कंबाइन किया बेटा, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल। सेकेंड लिखो इसका रूल। देन वी यूज राइट हैंड कर्लिंग रूल। And right hand thumb direction is direction of vector product bracket में लिखो a cross b, vector product a cross b था, वेक्टर प्रोडक्ट ब्रैकेट में लिखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक? एंड आल्सो इट डायरेक्शन ऑफ हिज यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी का भी वही डायरेक्शन होगा और उसके यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन वही होगा। क्लियर हो गया इतना? अब बेटा जो राइट हैंड कर्लिंग रूल लिखे हो ना, वो आपको याद नहीं रहता है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रहता है, राइट हैंड कंटाप रूल। कंटाप जानते हो, थप्पड़ मारने का तरीका। थप्पड़ मारने के लिए कैसे मारते हो कंटाप आप, तो तुरंत बताया ऐसे। जब आप ऐसे करते हो तो हाथ को बढ़िया ढीला किया और फिर एक मिला के दे दिया, ठीक? तो यह है राइट हैंड कंटाप रूल, इसी से डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, राइट हैंड कंटाप रूल, ठीक बेटा? इससे याद आ जाएगा आपको, कभी गलत होगा ही नहीं। चलो वेक्टर ए ले लिया ये, और ये ले लिया वेक्टर बी।
ठीक। पीछे अच्छा कंपेयर बाद में कराएंगे। देखिए ए क्रॉस बी, ए ने किसको कंटाप मारा, बी को, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। ए ने किसको कंटाप मारा, बी को। अब बी को कंटाप मारना है, ऐसे रखोगे, ऐसे मारोगे कंटाप, थंब की डायरेक्शन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। डायरेक्शन मिल गया, अच्छा आउटवर्ड मिल गया। बायां हाथ यूज मत करना, दायां ही, ठीक है। चट आउटर, ठीक है। अच्छा ये आउटवर्ड मिला ना बेटा, अच्छा ए से एंगल बताओ कितना है इसका, ए से कितना एंगल है इसका, 90 डिग्री है। तो मैं कह दूं ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए, होगा कि नहीं होगा। बी से एंगल कितना होगा, पूरे इस प्लेन से ही एंगल 90 होगा, क्लियर है। तो आल्सो परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए क्रॉस बी के बारे में मैं कहूं आउटवर्ड है, साथ साथ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बोले इतना चीज क्लियर हुआ। इसका यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर एन इज पैरेलल टू, पूरा लिख दे रहा हूं, क्या इसका यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा। तो मैं कह दूं एन यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी आल्सो परपेंडिकुलर टू ए एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। यदि ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। क्या ये यूनिट वेक्टर भी ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा, होगा, ठीक। बोले सर इतना ए क्रॉस बी किए, बी क्रॉस ए, बी ने किसको कंटाप मारा, ए को। डायरेक्शन इन्वर्ट हो गया। किधर हो गया डायरेक्शन, क्या ये भी परपेंडिकुलर है ए के, क्या ये भी परपेंडिकुलर है बी के, इन्वर्ट है, ठीक है। मान लीजिए एंगल थीटा है, अभी हम किसी थीटा की बात नहीं कर रहे। अगला इसका यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू किधर होगा, ये भी इन्वर्ट होगा, इन्वर्ट ही होगा, परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे होगा, पैरेलल टू ए क्रॉस बी क्रॉस ए के होगा, क्लियर होगा इतनी बात। अगली बात बेटा, अभी छापो नहीं, ध्यान दो। जैसे देखो ए डॉट बी, ए इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ले लिया, बी जो मन करे बी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, लेट नहीं करो, थ्री आई प्लस फोर जे माइनस सिक्स के,
ए डॉट बी कितना हो जाएगा, 3 प्लस 8 माइनस 18 कितना हो गया बेटा, ये माइनस 7। अच्छा चलो, b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 6k लिख दो, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k लिख दिया, सेम कितना आ गया बेटा, 3 प्लस माइनस 7। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्लियर हो गया ये बात ना? अरे अब डॉट तुमको आ ही गया है ना, केवल मैं बता रहा था ऐसे। अब मैं लिख दूं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट, सही है ये, सही है, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों? करें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो मैंने आपको एग्जांपल से दिखा दिया, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्यों बेटा? कुछ बोलो, नहीं समझे क्यों? बिल्कुल सही बात है, यही तो बात है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउटवर्ड है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड है, यदि वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। और आगे अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, ए क्रॉस बी किधर थी, आउटवर्ड थी, बी क्रॉस इनवर्ड, इनवर्ड को अपोजिट कर दो, हो गया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, छापो जल्दी। बेटे अभी जो पढ़ रहे हो थोड़ा वो समझ में आ रहा है, थोड़ा लग रहा है, अभी एक दो दिन में बिल्कुल समझ में आने लगेगा यार, एकदम सिंपल है सब। अब देखो पहला क्लास और दूसरा क्लास जिस टॉपिक का छूटता है ना बहुत तकलीफ देता है, जानते हो क्यों? उसी क्लास में बिल्कुल पूरे चैप्टर की बेसिक बताई जाती है, कैसे हम मॉड वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम वेक्टर देखते हैं, कैसे स्केलर देखते हैं, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, एक्सियल, प्लेनर, कोप्लेनर, ठीक है, इसकी इतना ये चीज़ें आपको बेसिक समझ में आती हैं तो बीच से कहीं से पढ़ लो। अब जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में यदि ये वाला पोर्शन छूट गया, आज मैं इसका बेसिक रूल बता दूंगा, यदि वो छूट गया तो कल के डेट में बच्चा कितना भी मेहनत करे उसे क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत होने ही लगेगी, ठीक। चलिए
अच्छा आप ले लेंगे। लिखो बेटा जल्दी, ये रूल आपके समझ में दिया गया तो फिर वेक्टर बहुत क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा, और समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना सिंपल है ये। ठीक है, रब कर दूं? हो गया ना बेटा, करो करो, ये रब कर दूं? चलो उसको रब करने की जरूरत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट रूल, घड़ी सबने देखी होगी दीवार पे चलने वाली, दीवार पे चलने वाली, दीवार पे चलती है घड़ी, रहती है, रहती है ना, वही तो कह रहे घड़ी सब नहीं देखी, बोले हाँ, बोले दीवार पे चलने वाली, बोले हाँ, तभी देख रहा किसके यहाँ है दीवार पे चलने वाली। अच्छा, कितने लोग कहते हैं घड़ी रुक गई? ठीक है, तो निडिल की बात होती है बेटा। कैसे मूव रहे, मूव करें हम? क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। ठीक, आई जे और तीन है हमारे पास। यदि मैं क्लॉक वाइज चलूं फर्स्ट, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस आई इज इक्वल टू जो बताऊं पहले वो करो, हो गया कि लॉजिक बाद में छोड़ो, अभी लॉजिक बाद में देखना। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको याद रखना है बेटा, इसके लॉजिक के चक्कर में फिर तुम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या होगा, आई क्रॉस के होगा इज इक्वल टू माइनस, अब तुम्हें मैं बताता हूं लॉजिक थोड़ी देर के लिए। तुम इस एक्सिस को क्या लेते हो बेटा, आई, ऊपर वाले को क्या लेते हो जे, आउटर वाले को क्या लेते हो के, इनर वाले को क्या लेते हो, मैंने कहा बता दूं, सर को पता ही नहीं था, याद किए थे उतना डांट दिए कि अभी इसको देखो। चलो, I क्रॉस J क्या आ रही है, आउटवर्ड के आ रहा है। चलो बाकी अपना निकालना, अब हो जाएगा। अब देखो, मैंने कहा I क्रॉस K, I कौन है, ये है, I ये है, ठीक है, कौन I है बेटा, K से क्रॉस करना है ना, K को कंटाप मारना है। I क्रॉस K, कंटा मारू के को, K को किधर आया, माइनस जे आया। ठीक,
एंटी क्लॉकवाइज आप चलोगे तो माइनस आएगा, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस। क्लियर हो गया पहला रूल क्या है, आई क्रॉस जे, दूसरा है जे क्रॉस के, ये जे है ठीक है, ये जे है, के को घंटा आप मारो आई। क्लियर हो गया तीनों रूल। दूसरा ये फर्स्ट वाला था बेटा, सेकंड I क्रॉस I इज इक्वल टू जीरो, J क्रॉस J इज इक्वल टू जीरो, K क्रॉस K इज इक्वल टू जीरो। इसको भी लॉजिक बताऊं, I क्रॉस I इज इक्वल टू I इंटू साइन जीरो डिग्री, I और I के बीच में एंगल, आई और आई के बीच में एंगल जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू नोट करो, लॉजिक बता दूंगा बेटा, पहले टॉपिक चलने दिया करो ठीक है, बिना लॉजिक के तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। और कुछ चीज़ें हैं बेटा जिसकी डेरिवेशन वेरिवेशन मैं कराऊंगा नहीं, कहोगे डेरिवेशन कराओ कंटाप मारूंगा, कि जाओ ट्वेल्थ में देखो यहाँ डेरिवेशन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और क्वेश्चन आने चाहिए कैसे बेसिक से निकालते हैं। ये क्लियर हुआ बिल्कुल आसान था